नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जानलेवा कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में अब तक 14,31,706 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 82,080 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,02,150 लोग इस वायरस को मात देकर घर लौट चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के कारण अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित होने वालों की संख्या 5,194 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत वायरस के कारण हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 125 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए शबे बारात के मौके पर लोगों से घर से बाहर ना निकलने का अनुरोध किया है। हरियाणा का फरीदाबाद कोरोना वायरस के संक्रमण का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। फरीदाबाद में 13 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा नूह मेवात से भी कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के मामले सामने आए हैं। खबरों के मुताबिक कई राज्य सरकारों ने केंद्र से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। लॉकडाउन की समय सीमा 14 अप्रैल तक है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ इंदौर में ही इस वायरस से 173 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इस वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 1,000 से ज्यादा हो चुका है। हर दिन बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में तबलीगी जमात से जुड़े 8 विदेशी लोगों के खिलाफ टूरिस्ट वीजा के नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सभी लोग एक मस्जिद में रुके हुए थे। चीन के वुहान शहर में प्रतिबंधों को समाप्त किए जाने के बाद वहां फंसे हजारों लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। वुहान में 76 दिनों तक लॉकडाउन रहा। अमेरिका में 4,412 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 12,854 लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में एक दिन में 1900 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस के कारण हुई है। दुनिया भर में इटली में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में 1,35,586 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि 17,127 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में संक्रमित व्यक्तियों और मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहां अब तक 1,41,942 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14,045 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।